हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोटक बैंक पे। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गिरावट, यहाँ पे 10% की गिरावट आपको देखने को मिली है। और ये गिरावट क्यों देखने को मिली, अब कैसा मूवमेंट इसमें आपको देखने को मिल सकता है, और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें स्टॉक के बारे में जो हम पूरी डिटेल से जानेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पे जो गिरावट आई है वो इसलिए आई है, जो आरबीआई है उसने जो कोटक बैंक है उस पर फटकार लगाई है। क्यों लगाई है? क्योंकि जो इनका आईटी प्रबंध है उसमें बहुत जो सुरक्षा को लेकर ना बहुत सारी कमियां पाई गई थी, और उसको लेके 2022 और 23 में ये आरबीआई ने कहा था कि भाई इन्हें ठीक कर लो, लेकिन ये इसमें नाकाम रहा, ये ठीक नहीं कर पाए। उसी वजह से इस पर फटकार लगी है, जिस वजह से ब्रोकरेज फर्म ने इसकी टारगेट घटा दिया है, और इसमें आपको इसी न्यूज़ की बेस पे गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, अब चार्ट पे अगर वीकली चार्ट हम ओपन करते हैं, यहाँ पे अपने इसने लो तो बनाया, लेकिन जो क्लोजिंग दी आप यहाँ पे वीकली चार्ट पे देखोगे तो ये जो है क्लोजिंग, इसने अपने जो 52 वीक का पहले लो था उससे ऊपर ही दी है, क्योंकि 1638 का इसका लो था, इसने इससे नीचे तो गया आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर दी है जो कि 1643 के ऊपर। तो अब क्या अब ये एक अच्छा मूवमेंट है? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ भाई, देखो बाइंग करना ना करना ये आपकी मर्जी है। जब भी किसी स्टॉक की नेगेटिव न्यूज़ आती है, अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल अच्छे हैं, तो वो एक बाइंग का मूवमेंट आप कह सकते हो कि बाइंग का मूवमेंट आपको मिल जाता है। ये इतनी अच्छी गिरावट आज आपको देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं आपको बाइंग का मूवमेंट यहाँ पे दिखेगा। अब कहोगे सभी नेगेटिव कह रहे हैं गिरेगा गिरेगा, अगर इसका कल ब्रेकडाउन करके नीचे क्लोजिंग देता है तो भाई अपनी पोजीशन मत बनाना, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आप अपनी पोजीशन में बना सकते हो, और टेंशन की कोई बात नहीं है। न्यूज़ का इम्पैक्ट आपको एक दो दिन देखने को मिलता है, उसके बाद सब अच्छा हो जाता है। तो स्टॉक के फंडामेंटल आप सभी को पता ही है, अच्छे हैं, स्टॉक पर आप नज़र बना के ज़रूर रखना, आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न ये देने वाला है।